करता हो रिबल का मतलब होता है भागी, भगावत करने वाला। ये जो स्टोरी है ये एक ताकतवर पावरफुल एलिफेंट के बारे में है जिसका नाम है मोती गुज मोती गुज इसका पहला कैरेक्टर है और दूसरा है मोती गुज का जो आ, मालिक होता है उसका नाम होता है देसा ये इसका सेकंड कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का तीसरा है चौहान जो चौहान है वो एक महोट है महोट किसे कहते हैं ए पर्सन हो ड्राइवर्स ट्रेन एंड लुक्स आफ्टर एलिफेंट महोट वो इंसान होता है जो चलाता है जो ट्रेनिंग देता है और जो हाथी हाथियों की देखभाल करता है उसका हम महोट कहते हैं और जो इसका चौथा कैरेक्टर है वो है कॉफी प्लांटर कॉफी की काश्त करने वाला अब हम टेक्स्ट पे आते हैं ए म्यूटियर इज ए पर्सन हु ओपनली रिपेल्स अगेंस्ट अथॉरिटी ये हमने पढ़ा कि जो म्यूटीर जो होता है बागी बगावत करने वाला वो वो इंसान होता है जो खुले आम अथॉर्टी के खिलाफ बगावत करता हो यू मस्ट है बट हैव एवर हर्ड ऑफ एन एलिफेंट बिकेमिंग म्यूटीनियर कहते हैं कि आपने फौज के बारे में सुना होगा कि वो कभी कभार बगावत करते हैं वह बागी बन जाते हैं लेकिन क्या आपने किसी एलिफेंट की बगावत के बारे में सुना है कि कोई एलिफेंट बगावत करता हो वेल दिस इज अ स्टोरी ऑफ सच एन एलिफेंट हिज नेम इज मोती खैर ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही किसी एलिफेंट के बारे में है जो बगावत करता है उसका नाम है मोती कुच ही इज एज इंटेलिजेंट एज लॉयल एंड लविंग एज एनी वन ऑफ अस वो यट ही ड वो हमारी तरह जहीन है वफादार है और प्यारा है लेकिन फिर भी वो कभी कभार रिबेल करता है वो भागी बन जाता है वो बगावत करता है आप स्टोरी पढ़िए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो बगावत क्यों करता है और जब बगावत करता है तो उस दौरान वो क्या करता है और फिर वो कैसे बगावत छोड़ देता है और आ, फिर से वो नॉर्मल हाथी बन जाता है वन्स अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कॉफी प्लांटर इन इंडिया हु विशड टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफी प्लांटिंग एक दफा का जिक्र है कि हिंदुस्तान में एक कॉफी प्लांटर था कॉफी का काश्त करने वाला जिसे चाहा कि कि वो आ, कुछ फॉरेस्ट काट के कुछ ज़मीन कॉफी प्लांटिंग के लिए तैयार करे उसने क्या किया उसने आ, एक फॉरेस्ट का एक एरिया लिया और वहाँ सारे पेड़ काट दिए ताकि वो वहाँ पे कॉफी प्लांटिंग कर सके कॉफी की काश्त कर सके ही वन ही हैड कट डाउन ऑल द ट्रीज दिमैनट जब उसे वहां उस फॉरेस्ट एरिया में वो सारे पेड़ काट दिए तो लेकिन वहां स्टेप रह गए स्टैंप पेड़ का वो हिस्सा होता है जब हम पेड़ कोई पेड़ काटते हैं जो जमीन में वो हिस्सा रहता है उसे हम स्टेम्प कहते हैं द प्लांटर हायर एलिफेंट्स फॉर स्टेम्प क्लियरिंग अब इस जो प्लांटर था इस बागी ने सॉरी बागबान ने क्या किया उसने अब किराया पे हाथियों को लाया ताकि वो इन झड को आ, वो इनको जमीन से उखाड़ सके क्योंकि ये बहुत ही आ, मजबूत होते हैं ये बहुत ही मजबूती से जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता था इसलिए इसने हाथियों को लगा दिया इस काम के लिए द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल द लेफ बिलोंग टू द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइवर्स और माह एंड दिस अच्छा हाथी था सारे हाथियों में से जो सबसे अच्छा हाथी था उसका जो मालिक था वो सारे मालिकों से आ, आ, बुरा मालिक था वो सारे जो हाथी के मालिक थे वो उन सार, सारों से बुरा था लेकिन उसका जो हाथी था वो हाथियों में से अच्छा हाथी था ड्राइवर्स और माहौट माहौट हम कहते हैं जो हाथियों को चलाता हो उनकी देखभाल करता हो और इस जो ये जो ये सबसे अच्छा हाथी था इस बीस्ट का नाम इस जंगली का नाम क्या था इसका नाम था मोती कुछ जिसका मतलब है पर्ल एलिफेंट ही वॉज द एब्सोलूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज माहौट देसा वो इस आ, जो उसका मालिक था देश था उसकी एब्सलूट प्रॉपर्टी थी वे उसकी इकलौती वो प्रॉपर्टी थी उसकी खास प्रॉपर्टी थी क्योंकि वो इसी के जरिए कमाता था